ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार दोपहर मंडी जिला के थुनाग तहसील में भागा चिनोगी के पास अल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने जाने के कारण 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के थुनाग तहसील में बागा चनोगी के पास ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 5 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने का भी समाचार मिला है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को पीड़ितों के परिजनों को तत्काल राहत व हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन को घायल व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिवार सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। सभी पदाधिकारी उपस्थित सभी भाई और बहन, हम आज बहुत दुख के साथ यहाँ आपके बीच में, इस सभा के बीच में यहाँ पर हैं। आप लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं आऊं, थोड़ी देर के लिए आऊं, मिलूं, और मेरी भी बहुत इच्छा थी। चुनाव में पूरे प्रदेश भर में मैं घूम रहा हूं और ऐसे में अपने घर के लोगों से भी मिल करके आऊं। आप सबके आशीर्वाद के बिना वो संभव नहीं है, लेकिन एक दुखद घटना ने हम सबको हिला दिया। जब मैं रामपुर पहुंचा तो खबर मिली कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर उम्मीद थी कि एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता रहता है। मैंने कहा लोग सब ठीक हैं क्या? थोड़ी देर बाद सूचना मिलती है कि जो उसमें सवार थे उनमें से शायद 5 लोगों का जिक्र किया, 5 लोगों की जान नहीं रही। मन बहुत दुखी हुआ, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। और ऐसे में जो निर्धारित कार्यक्रम थे वहां सिर्फ हाजिरी भरी, उसके बाद फिर मैं यहां निकल आया। मैं आज इस सभा के माध्यम से जो हमारे साथी जो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे यहां आकर के, इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए लगे थे, जो हमारे बीच में से चले गए, उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर शांति दे उनकी आत्मा को,